सो हेलो गाइस, आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। हम इंग्लिश कैसे बोले फ्लुएंटली, एक आप फ्लुएंट स्पीकर कैसे बन सकते हैं, ये जो सवाल है ये सबके मन में होता है और आई एम श्योर कि आपके मन में भी होगा। एंड ये कुछ दिनों पहले मेरे मन में भी था ये चीज, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप कैसे कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं, आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए, इंग्लिश ये एक लैंग्वेज है और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो हम मदर टंग बोलते हैं, जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी हम बोल रहे हैं तो हम कोई ग्रामर सीख के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हमें आती है और कैसे आती है कि हमारे चारों तरफ बोली जाती है, तो हमें सुन सुन के आती है, ठीक है। तो वैसे ही एक बच्चे के साथ होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सुनता है कि उसके चारों तरफ क्या बोली जा रही है और धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है तो वो बोल लेता है, उसको कोई ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, कि देखिए हमारे घर में तो इंग्लिश बोली नहीं जाती है, ओके, ना हमारे स्कूल में बोला जाता है, स्कूल में भी बोला जाता है तो कोई हम लोग हमेशा तो बोलते नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको इस वीडियो में तीन स्टेप्स बताऊंगी, उन तीनों स्टेप्स को आपको 21 डेज फॉलो करना है और 21 डेज फॉलो करने के बाद आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए हमें कितना ग्रामर सीखने का जरूरत है, हमें कितनी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ये वो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, इस वीडियो को देखने से पहले तो आपको उसमें बताया गया होगा कि आपको इंग्लिश चीजें सुननी चाहिए, इंग्लिश मूवीज देखने चाहिए, इंग्लिश कार्टून्स देखने चाहिए, आपको इंग्लिश में चीजें ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली, मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने क्या क्या किया था कि सबसे, मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसे एप्स भी बताऊंगी जो मैंने खुद यूज किए, पर्सनली यूज किए, वो एप्स मैं आपको बताऊंगी, एंड दैट वाज रियली फैबुलस, ओके, एंड दैट इज रियली फैबुलस, आई कांट टेल यू, ओके, मैं आपको खुद बताती हूँ। देखो, तो तीन, पहले हम ये सारी बातें छोड़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तीन स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है हमारा रीडिंग सेक्शन, जो कि आपको करना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो पहले देखो, आप एक कोई भी एक बुक उठा लो, कोई भी आपकी इंग्लिश की बुक होगी तो आप उसको पढ़ो, कुछ पूरा बुक नहीं पढ़ना, आपको कुछ एक पैराग्राफ पढ़ना है और उस पैराग्राफ में जो भी आपको स्पेलिंग्स नहीं आते, बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें नहीं पता होता उसका मतलब, आप उसे अंडरलाइन करो, गूगल पे सर्च करो, उसकी मीनिंग निकालो और उसका जो मीनिंग आपको पता चल गया तो आप उसको ना जब बोलो, आप जब भी बात करो किसी से तो उसको ट्राई करो अपनी मतलब जब बोलते समय उसको यूज करने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो लर्न हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश सीखने का जो सबसे मेन पार्ट है वो है वो कैप्स, क्योंकि वो कैप्स आपको अगर नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो आपकी वो कैप्स की भी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। सो दूसरी स्टेप हमारी ये है कि पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें ग्रामर कितना सीखना है, ठीक है। तो ग्रामर में आपको ऐसा कुछ नहीं सीखना, आपको पहली अगर सीखनी है, मान लो हमारे पास तो एनवायरनमेंट नहीं होता, तो आपको टेंसेस सीखना है, ठीक है, क्योंकि विदाउट टेंस आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि ना आपको बहुत सारी ग्रामर नहीं सीखनी, बस आपको एक टेंस, आप पूरा किसी भी यूट्यूब किसी के भी चैनल पे जाओ, आपको मिल जाएंगी वीडियो, अभी हम मेरे चैनल पे भी वीडियो आएगी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट अभी मैंने नहीं बनाई है टेंसेस की वीडियोस, तो आप टेंसेस की वीडियो पूरी देख लो और फिर वॉइस की देख लो, अगर वॉइस ना देखो तो एटलीस्ट टेंसेस तो देखो और उसकी यूज करो, उसको यूज करो, क्योंकि विदाउट टेंस आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि आपको बहुत सी यूजेस पता चल जाएंगी, वॉज वर कब कैसे बोलना है, इस ये सीख लो। और सेकेंड थिंग है कि वोकैबलरी, ये भी आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वोकैबलरी इसकी मैंने वीडियोस बना रखी है, आपके घर में आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें, आप उसको ट्राई करो कि उन सब की इंग्लिश जानने की, ठीक है, आप उसको इंग्लिश जानो कि इसको क्या कहते हैं, पर्दे को क्या कहते हैं, इसको मतलब हर एक चीज की, चाहे वो कुछ भी हो, वो किचन रिलेटेड हो, फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, तो मैंने वीडियोस बना रखी है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वोकैबलरीज की, ठीक है। तो आपको वोकैबलरी इंप्रूव करनी है, टेंसेस की वीडियो देखनी है और अगर आप वॉइस की वीडियो देख सको तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो भी स्पीकिंग में आती है, ठीक है। और आपको क्या करना है
कि उसको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, बस आपको इतना ही ग्रामर सीखना है। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आपको प्रेपोजिशंस देखने हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन की यूज आपको पता होनी चाहिए। मान लो कि आपको जहां पर इन का यूज करना है आप वहां एट का यूज कर दो, तो ये तो बहुत गलत बात है। आपको अगर इंग्लिश आ भी गई और प्रेपोजिशन का यूज नहीं आता तो आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो, तो इससे लोगों पे खराब इंप्रेशन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला आपको सीखना है टेंसेस, प्रेपोजिशन, वोकैबुलरी और वॉइस, ठीक है। ये चार चीजें आपको देखनी है। तो हमारे चैनल पे आपको वोकैबुलरी और प्रेपोजिशन इन दोनों की वीडियोस तो मिल जाएगी, पर वॉइस और टेंस की नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने अभी नहीं बनाई, और जब मैं बनाऊंगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। मैं प्रेपोजिशन की और वोकैबुलरी की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। ये थ्री वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप ये तीनों वीडियोस देखते हैं, आप ये तीनों वीडियो देख लेना और किसी के चैनल पे जाके टेंस की वीडियो, वॉइस की वीडियो देख लेना और वोकैबुलरीज की भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लेना। आपको ये चार चीजें करनी है और देखना ही नहीं है, बस उसको यूज भी करना है, उसको बोलना भी है, ठीक है। और अब सबसे हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है सबसे मेन, कि बोले कहाँ, कैसे बोले। देखो अब घर पे तो आप किसी से भी बोलोगे या फिर कहीं बाहर बोलोगे तो वो आपको बोलेगा कि बड़ा अंग्रेज बन रहा है या फिर बड़ा अंग्रेज बन रही है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कि मैं आपको दो ऐप बता दूं, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी किसी के साथ। और उस ऐप की जो मेन फीचर्स हैं मैं आपको बता दूं कि वो दोनों ही ऐप्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मतलब कोई पैसा नहीं लगता उस पे, और मैंने खुद यूज किया। गाइस आपको सबसे पहले ये ऐप ओपन करना है, उसके बाद ओपन करने के बाद मैं ऑलरेडी यूजर थी तो मैंने उस पर क्लिक करा। आप अगर न्यू है तो आप न्यू वाले पे क्लिक करें, ठीक है। और फिर आपको लॉगिन करना है, मैंने अपना फोन नंबर डाला, ओके, और फिर उसके बाद मैंने लॉगिन करा। और आप इस पे मेल और फीमेल किसी से भी बात कर सकते हो। आई होप कि आपको इस फ्लुएंसी का यूज करना आ गया होगा। अब हमारा दूसरा ऐप जो है वो है टॉक नाउ, ठीक है। सबसे पहले ये ऐप ओपन करना है टॉक नाउ, फिर उसके बाद आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद लॉग इन विद गूगल करना है, मैंने यहाँ पर लॉग इन विद गूगल किया, आपको भी वही करना है। आपसे वो नाम वगैरह मांगेगा, आपको नाम वगैरह मेंशन करना है। मैं वहां पर एक ऑलरेडी न्यू यूजर थी तो मेरे को डालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और फिर आपका लॉग इन हो जाएगा और आप यहाँ पर किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। आप इसमें चैट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ओके। आई होप कि आपको टॉक नाउ और इस फ्लुएंसी की यूजेस पता चल गई होंगी, ठीक है। तो आप इन दोनों एप्स को जरूर विजिट करना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी ये तीनों स्टेप्स बताओ, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो जो है हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है। सो गाइज बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।